हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी बिंदास हूँ। और मेरी और एक नई लाइफस्टाइल ब्लॉग में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। एंड सेम अगेन, थैंक यू सो मच जिसने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर लिया है और मेरे चैनल को देखते हो, उन लोगों को ढेर सारा प्यार। अभी बजाय 9:10 बाकी है और मैं अभी पी रही हूँ चाय विद दिस शुगर वाली बिस्किट, होता है ना एक नाइस बिस्किट, वो हम दोनों का एक बहुत फेवरेट है। पर सुबह हम लोग खाते नहीं है, मैं नहीं खाती हूँ सुबह, मैं नॉर्मली वो मैरीगोल्ड होता है ना उसके साथ ही खाती हूँ, लेकिन पता नहीं आज मेरा मन नहीं कर रहा है। और मैं अभी नहीं उठी हूँ बहुत पहले, आज तो और भी 7:00 उठ गई थी। फिर पौधों को पानी दिया, घर का थोड़ा बहुत काम किया ऑफ कैमरा, पर चाय पीने को मन नहीं कर रहा था। शायद मैंने उठ के आज 2 ग्लास पानी पी लिया था इसलिए मुझे चाय पीने को मन नहीं कर रहा था। तो अभी थोड़ा काम भी ख़त्म हुआ है, अभी नहाने जाना है, तो सोचा एक बार चाय पी लेती हूँ और वो भी विदाउट मिल्क। और आज का वेदर नहीं, कल भी वेदर बहुत अच्छा था और आज का वेदर देख के लग ही रहा है कि पूजा एक ऐसा होता है ना, पूजा वाइब्स वेदर में पूरा एक जैसे कि पूजा आ रहा है। एक बात बोलो, किसको ऐसा फील होता है, पूजा जब आ जाता है ना तब तो 3 दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है, फटक से निकल जाता है। पर आने से पहले जो वो एक्साइटमेंट तो चलिए पहले तो और भी होता था जब स्कूल कॉलेज लाइफ में बचपन में, वो तो अलग बात, अभी भी ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, होता है, पर वो अलग होता है ना आने से पहले जो वेटिंग का जो मज़ा किसी भी चीज़ का, एक बाहर निकलने से मॉल में बाजार में एक वैसा माहौल, वो कैसे दिन थे। अभी भी हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं लेकिन अभी तो अलग बात है ना, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है उसके साथ ये सब करना। जो भी हो फ्रेंड्स, बने रहिए आप लोग मेरे साथ, सारा दिन क्या करती हूँ क्या नहीं वो सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी मैं फ़िलहाल ये चाय पी लेती हूँ। तो मैं फटाफट से घर में नहा के पूजा करके, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया आज, और मैं यहाँ पे आ गई हूँ। वैसे तो यहाँ पे कुछ करना नहीं होता है, जस्ट ऐसे ही मैं बैठी रहती हूँ, पर नहाना पड़ता है, बैठना भी पड़ता है, क्या करूँ। पर एक बात बताऊँ आप लोगों को, खाली बैठे रहना भी बहुत मुश्किल बात है और उससे मुझे लगता है कि ज़्यादा टायर्ड फील होता है। काम करते रहने से टाइम चला जाता है और पता भी नहीं चलता है। जो भी हो, मैंने एक मिस्त्री भैया को भेजा है चाय समोसा ये सब लाने के लिए, क्योंकि ना मेरा जो उन लोगों के लिए जो चाय मैं लाती हूँ घर से वो वाला फ्लक्स यहाँ पर रह गया है, मैं भी ले जाना भूल जाती हूँ, तो आज मैं भी चाय नहीं लाई हूँ। और मुझे भी लग रहा है कि मुझे भी थोड़ा सा पीना, मतलब क्रेविंग हो रहा है एक चाय पीने को, तो मैंने एक भैया को भेजा है वो चाय समोसा ये सब लेके आ जाएगा। हे फ्रेंड्स, मैं अभी आई हूँ वहाँ से और अभी बजाय 12:40 आ गई थी इसलिए क्योंकि ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, पर वहाँ पे एक मिस्त्री भैया को देखे चाय समोसा ये सब मंगवा के खाया, और क्योंकि बहुत भूख लगा था सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। और अभी एक बार आई हूँ घर कि फटाफट से कुछ खाना बनाऊँ, क्योंकि खाना बनाना भी एक कुछ भी एक बना लूँगी। और आज मैंने कपड़ा भी बहुत सारा धोया है, 2 बेडकवर एक साथ मैंने कल भिगो के रखा था उसको धोया, फिर अपना जो रेगुलर वेयर वो सब धोया, लेकिन वेदर मेरे लिए तो अच्छा है पर कपड़ा सूखने के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि बाहर थोड़ा थोड़ा टिप टिप बारिश भी हो रहा है, क्लाउडी है वेदर। तो फिर भी यहाँ पे दे दूँगी, सूख जाएगा, एक दिन में ना सूखे 2 दिन में सूखेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए किचन में मेरे साथ हेल्प कीजिए खाना बनाने में, क्या बनेगा वो भी मुझे पता नहीं है। बनाऊंगी पनीर है थोड़ा सा, क्योंकि आज है ट्यूसडे तो ट्यूसडे को होता है वेज। कैमरा सेटिंग ठीक कर लूँ, तो ट्यूसडे को होता है वेज, ये है पनीर, तो फटाफट से मैं पनीर और आलू देके एक सब्जी बना लूँगी, पनीर और आलू का एक सब्जी, और कुछ नहीं हो जाएगा।
तो यहाँ पे मैंने आलू और पनीर को कट कर लिया है। अभी एकदम सिंपल से जस्ट एक सब्जी बना लूँगी। खाना खा के मैं फिर से यहाँ पे आई हूँ, एक ज़रूरी काम के लिए मुझे बुलाया है। और देखिए वेदर, बारिश शुरू हो गया है। फ्रेंड्स गुड इवनिंग, और अभी बजा है पूरा 6 और मैं हो चुकी हूँ थोड़ा सा रेडी। थोड़ा सा मतलब क्या, जस्ट ये कुर्ती पहना है और बाल ठीक किया है, बस उतना सही। तो मैं जा रही हूँ अभी दी के घर। दी को तो आप सब लोग पहचानते ही हैं, कल भी जाने वाली थी। एक्चुअली ना शाम के टाइम बहुत बोर लग जाता है और कुछ दिनों से मैं हो ही नहीं रहा था जाना, तो मैं कल भी सोच रही थी जाऊंगी, लेकिन इवनिंग का दिया लगा के मोबाइल लेके बैठ जाती हूँ तो आलस लग जाता है, इसलिए आज मैंने इवनिंग का दिया लगाया लगा के और मोबाइल टच भी नहीं किया, फटाफट से ड्रेस चेंज कर लिया। दी के घर जाऊंगी, पहले सीधा दी के घर चली जाऊंगी क्योंकि मैं जा रही हूँ आज अकेले, तो दी के घर इसलिए ज़्यादा टाइम बैठ भी नहीं पाऊंगी। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मुझे आ जाना पड़ेगा, तो आते वक्त यहाँ से थोड़ा सा घर का सामान लाऊंगी, जैसे कि बिस्किट। फिर भूल ही जाती हूँ, ओ सबसे इम्पोर्टेंट अगरबत्ती, आज दिया लगाने गई शाम को तो देखती हूँ अगरबत्ती और है ही नहीं, तो इसलिए अगरबत्ती ये सब लाना है। देखती हूँ अगर टाइम ज़्यादा हो गया तो शायद अभी भी नहीं होगा, तो कल सुबह मुझे निकलना पड़ेगा। अभी फटाफट से जाती हूँ क्योंकि अभी जाऊँगी तो मैं अकेले जाने से ना वही प्रॉब्लम है, उनके साथ जाने से तो मेरा कोई टेंशन नहीं है, बैठ जाती हूँ किसी एक सवारी पे हो गया, लेकिन अकेले जाने से बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ से वॉक करके नीचे तक जाना, फिर वहाँ से टमटम बोलते हैं ना बैटरी का जो वो चलने वाला रिक्शा होता है, वो है उससे जाना पड़ेगा हाफ वे, फिर एक रास्ता क्रॉस करके दूसरा वाला मिल जाए तो अच्छी बात, वरना वहाँ से पैदल जाना पड़ेगा। तो आप लोग भी चलिए मेरे साथ रास्ते में, तो मैं कुछ नहीं दिखाऊंगी कैसे जा रही हूँ क्या नहीं, क्योंकि मैं अकेले जब जाती हूँ ना तो मैं मोबाइल नहीं निकालती हूँ। देखूंगी फिर भी दी के घर जाके शूट करूंगी हो सके तो आप लोग भी चलिए। बिना फूल के आज पूजा दिया है मैंने, एक की फूल, दो फूल था, आज लाना पड़ेगा क्योंकि कल थर्सडे है। पूजा मेरा हो चुका है, आज टाइम है अभी 9:10 और मेरा काम ख़त्म। ये ब्लॉग कल का कंटिन्यूएशन है, फिर भी तो मैं गुड मॉर्निंग बोल ही सकती हूँ। तो हे फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, कैसे हो आप सब लोग। ओ सॉरी वेलकम बैक टू नहीं, ये तो कंटिन्यूएशन हो रहा है। तो एनीवेज फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, आप लोग कैसे हो, आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी बिंदास हूँ। और आज अभी अभी 9:15 है, अभी तक बजाने 2 मिनट बाकी है पर मेरा सब काम खत्म। अभी फटाफट से थोड़ा सा ब्रेकफास्ट मतलब क्या, कल आते वक्त रात को ये ब्रेड लेके आई थी, पता नहीं मैंने आप लोगों को शेयर किया कि नहीं, क्योंकि दी के घर से आते आते थोड़ा लेट हो गई थी और आके ना पता नहीं क्या हुआ था मुझे, ड्रेस चेंज करके हाथ पांव धो के एक बार में बेड में सेट हो गई फूट के और टीवी देख रही थी बस, और कुछ किया नहीं। तो आते वक्त कल ब्रेड लेके आई थी, एक लेके आई थी अगरबत्ती, ये सब कुछ कुछ सामान लेके आई थी, ये सब ऐसे डाइनिंग टेबल में अभी पड़ा है। तो फटाफट से अभी मैं ब्रेड टोस्ट बना लूंगी, चाय पी लूंगी, पी के मुझे जाना है विद इन 9:30 वहां पे। ऑलरेडी वो लोग आ चुके हैं क्योंकि आज मुझे बोला है रुकने के लिए, मतलब हम दोनों में से किसी को तो हस्बैंड तो है नहीं, आउट ऑफ स्टेशन है, तो मुझे ही रुकना पड़ेगा, इसलिए मैंने सुबह उठ के आज फटाफट से नहा के पूजा करके सब कुछ खत्म कर लिया है। पर तबीयत इतना खास नहीं है, पता नहीं बैक में बहुत पेन हो रहा है कल से, तो मिलती हूँ आप लोगों से बाद में, फोन आ रहा है मम्मी का। यहाँ पे मैं ब्रेड टोस्ट बनाऊंगी और एक ऑमलेट। तो
तो मैं अभी फटाफट से चाय और ब्रेड खा के वहाँ पे जाऊँगी, क्योंकि वो लोग आ भी चुके हैं, मुझे जाना है अभी। और इसी के साथ मैं आज का ये ब्लॉग यही पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि ये कल का ब्लॉग है, तो मैं ये वाला ब्लॉग यही पे एंड करके दूसरा वाला ब्लॉग शुरू कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ मेरा ये छोटू सा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, गुड डे, फिर मिलूँगी।